तो गाइस हुमा खान के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए चांदनी, और ये देखिए जैद, और ये रही तोबा, और ये रहा आया। ये तो है चांदनी के बच्चे। और पूसी देखिए ये लेटी हुई है। पूसी के बच्चे देखिए, ये चांदनी जो है इलू को प्यार कर रही है। इसका नाम रखा है मैंने इलू। एक बेटी है और एक बेटी चांदनी की भी एक है तोबा। इसका नाम मैंने रखा है इलू, इसका रखा है हनी, उसका रखा गनी, इसका नाम राजा, और वो लिख रहे हैं आया। तो इन लो दोनों का हुआ है गठबंधन, दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं बच्चों को। और ये देखिए पूसी माशाल्लाह से आज भी खूबसूरत है। और ये कल मैंने जैद को नहलाया था और मैंने वीडियो नहीं बना पाई। और ये अब ये दो बच्चों को जब नहलाऊंगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने जैद को जब नहलाया तो बनाया ही नहीं मैंने, क्योंकि वो इतना भीग के चुहिया सा हो गया था, तो उसको लग रही थी सर्दी। मैंने जल्दी से टॉवल में लपेट दिया था, उसके चक्कर में डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे दो जो दे देना, दो मुझे दे देना, ऐसे करके बच्चे मांग रहे हैं। तो मैं देना नहीं चाहती गाइस। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि दूँ मैं ना दूँ, क्योंकि मैंने अपनी अदीवा दी थी, मैंने बताया था आपको गाज़ियाबाद में, तो मेरी अदीवा वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ उनको एक दूसरे को जुदा करना, क्योंकि ये तो बेजुबान जानवर हैं। इनकी औलाद को तो किसी को भी दे के पकड़ के दे सकते हैं, तो ये रो के बैठ जाएंगे चुपचाप। और जो है किसी इंसान के बच्चों को देख के दिखाएं तो कितना कुछ कहेगा। तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है इन लोगों को जुदा करने को। जैसे ये लोग पल रहे हैं ऐसे सब पल जाएंगे, अपने नसीब का सब खाते हैं। तूबा यहाँ लिख लो, यहाँ यहाँ से लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ। तूबा को बहुत नींद आ रही। तो मैंने देखे कितने प्यारे नाम रखे हैं, तूबा तूबा तो तूबा का जो फेस है ना मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए बहुत भोला फेस है इसका। और ये देखिए इलू, दो बच्चियाँ हैं और बाकी पांच बेटे हैं। उसी को कितनी नींद आ रही है, कितनी ज़्यादा। और ये लोग अंदर सो रहे थे, लेकिन रात को मैं अंदर इनको सुला देती हूँ। किस किस को सुलाती हूँ, तूबा को सुलाती हूँ अंदर, जैद को सुलाती हूँ, अयान को सुलाती हूँ, और पूसी बेड पे सो जाती है इन लोगों को। और बाकी इन बच्चों को नीचे निकाल देती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है और यहाँ से हवा आती रहती। तो मैं यहाँ पर बस इनके लिए इतनी सही है, क्योंकि हवा अंदर एसी चलता है, कूलर चलता है, तो सही नहीं है, बच्चों को ठंड लगेगी। तो मैंने इन लोगों के नाम ऐसे रखे हैं। आप लोगों को आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि आप इंसानों वाले नाम क्यों रखते हो, तो मैं इसलिए इंसानों वाले नाम रखती हूँ क्योंकि मैं इन्हें इंसान ही समझती हूँ। मैं इन्हें जानवर समझती ही नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ मेरे घर के एक सदस्य हैं, ये मेरे घर के बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा घर माशाल्लाह से भर गया, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोगों को बताएं मेरे पूसी के बच्चे बचते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं और नहीं देना चाहती इन्हें। जैसे भी हैं अपने माँ के पास खुश हैं, मैं नहीं बांटूंगी इनको बिल्कुल भी। ये देखिए एक दूसरे को जुदा नहीं करूँगी मैं। आयान देखिए कैसे सो रहा है घुस के। जैद सबसे प्यारा बच्चा तो ये है हमारा बेटा, ये हमारा तूबा। तूबा ए तूबा, तूबा की मूछें भी हैं ब्लैक ब्लैक, लेकिन बहुत सुंदर बच्चा है माशाल्लाह से। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फटाफट से कमेंट्स करिए अच्छे अच्छे, और ऐसे ही प्यार हमारे बच्चों को दीजिए अच्छे अच्छे कमेंट्स। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ब्लॉग को शेयर करिए एक दूसरे से, और बताइए हमारे बारे में कि हमारे कैसे तूबा हुआ पलती है यहाँ पर। ये देखिए तो गाइस देखिए ये देखिए ये हमारा गनी। और ये गनी मैंने नाम पता क्यों रखा है, इसका नाम गनी रखा, इसका नाम हनी रखा, और उसका नाम रखा राजा, इसका रखा है इलू। क्यों मैंने ये नाम रखे हैं अब आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मैं जब घर गई थी अपने गांव, तो मेरे भाई ने बोला था कि मुझे ये नाम बहुत पसंद है हनी और गनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मेरे घर पर बच्चे हैं, मैं इन्हीं का ही नाम रख देती हूँ। और इंसानों वाले मैं नाम इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे इंसानों ही वाले नाम पसंद है, इंसानों में ही रह रहे हैं। तो ये बड़े हो गए माशाल्लाह से बहुत अच्छा होगा राजा की तरह एकदम, क्योंकि राजा की तो अभी यादें जा नहीं रही हैं दिल से, आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी तो नए हादसा है, भूल जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखिए पूसी, पूसी का तो मैं जितना भी एहसान मंद हूँ बहुत ज़्यादा, जितना भी एहसान उतारना चाहती हूँ उतरता ही नहीं, क्योंकि पूसी नहीं ये इतनी खुशियाँ हमारे घर में दी हैं, है ना पूसी। जब इनका खास खाना का ध्यान रखा जाता है, जैसे भी करती हूँ मैं अपने ही हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई ये चीज़ के पैसे दे दे, मुझे चीज़ के दे दे पैसे, दाना दिला दे, नहीं। मैं जितना ही मुझसे बनता है मैं खुद इनको बच्चों को खिलाऊंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनको कैसे पालना है मुझे पता है। मैं अपनी तूबा कभी नहीं दूंगी, मैं किसी बच्चे को नहीं दूंगी।
ये देखिए जैद, जैद कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। तो आप लोगों को कौन सा बच्चा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स करिए, लाइक शेयर कमेंट्स, नया चैनल का सब्सक्राइब दीजिए उमा खान का। जाए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।